Hello friends, once again this is Praveen Chamlikar from Future Gyan. So we are learning, we are doing the tremendous things in our life and that's why we are here. आज मैं आपको जो एक टेक्निक बताने जा रहा हूँ वो टेक्निक है इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है जिससे हम फटाफट इंग्लिश बोलें. बिकॉज सी यदि आप बुक्स पढ़ोगे आप डिक्शनरी कंसल्ट करोगे ये सब जरूरी है लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है टेक्निक्स आपको आना चाहिए. यू मस्ट नो द टेक्निक्स ऑफ इट. तो आज हम जो बातचीत करेंगे वो हम बातचीत करने वाले हैं क्वेश्चन वर्ड्स पर. और फ्रेंड्स यदि आपको कुछ पुराने वाले वीडियो से कुछ टिप्स लेने हो तो आप टिप्स जरूर जो यहाँ पर लिंक चल रही है उस लिंक से आप पुराने वीडियो पर जाकर टिप्स पहले ले लें. आई विल सजेस्ट यू जिन लोगों ने नहीं देखा है. तो आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज का हमारा टॉपिक है WH वर्ड्स. सी दिस WH वर्ड्स आर वॉट. ये जो WH वर्ड्स हैं ये जो WH वर्ड हैं इनको हम इंटरोगेटिव्स के भी नाम से जानते हैं. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरोगेटिव्स. अभी इंटरोगेटिव्स क्या होते हैं. इंटरोगेटिव्स मीन्स टू आस्क द क्वेश्चंस, टू आस्क द क्वेरीज. फ्रेंड्स सी व्हाट हैपेंस. जब भी हम कभी किसी से कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूँ. मैं आपको पूछूंगा व्हाट्स योर नेम, मैं आपको पूछूंगा वेयर आर यू फ्रॉम, मैं आपको पूछूंगा व्हाट आर यू डूइंग नाउडेज. अब ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से बन रहे हैं आपने देखा, इन्हीं को हम बोलते हैं इंटरोगेटिव्स. यही है प्रश्नवाचक या इंटरोगेटिव्स. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंटरोगेटिव्स बनाना बता रहा हूँ. एक्चुअली जो इंटरोगेटिव्स हैं ये इंटरोगेटिव्स दो प्रकार के होते हैं. देखिए यहाँ पर मैंने लिखा INTERROGATIVES इंटरोगेटिव्स. इंटरोगेटिव्स मीन्स प्रश्नवाचक. ये दो प्रकार के होते हैं. जो पहला इंटरोगेटिव कहलाता है वो होता है फ्रेंड्स क्लोज्ड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव्स. देखिए क्लोज्ड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव क्या है. जो ये क्लोज्ड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव है ये वो है जिनके आंसर यस और नो में आते हैं, ट्रू और फॉल्स में आते हैं. मैंने आपको पूछा डू यू लाइक टी, आपने कहा यस नो, खत्म. मैंने आपको पूछा हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, आपने आंसर दिया यस और नो, फिनिश. बट जो दूसरे टाइप के होते हैं वो होते हैं ओपन टाइप ऑफ इंटरोगेटिव्स. और आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है ओपन टाइप ऑफ इंटरोगेटिव्स. ये ओपन टाइप ऑफ इंटरोगेटिव्स आर दोज आंसर्स आर डिस्क्रिप्टिव, जिनके आंसर डिस्क्रिप्टिव है. तो ये डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आज हम क्वेश्चन और आंसर देखेंगे. तो ये जो ओपन टाइप ऑफ इंटरोगेटिव होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं WH वर्ड्स. और इसी को मैं आपको बोल सकता हूं दैट क्वेश्चन वर्ड्स. इन्हीं को मैं कह रहा हूं क्वेश्चन वर्ड्स. ये जरूरी क्यों है. अब देखिए ये जरूरी इसलिए है क्योंकि यदि आपको ये आ गए तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा चलेगा. आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप GD में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप लोगों से कुछ क्वेश्चन इंक्वायरी कर रहे हैं. तो जब हम ये इंक्वायरी करते हैं तो फ्रेंड्स क्या होता है इनमें हमें आंसर जो चाहिए, आंसर चाहिए डिस्क्रिप्टिव वन. तो आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ वो है क्वेश्चन वर्ड्स. देखिए अब हम इन क्वेश्चन वर्ड्स को डिटेल में देखते हैं दैट हाउ टू टॉक अबाउट. सो लेट्स हैव द लिस्ट ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स. सो दीज आर द क्वेश्चन वर्ड्स. अब हम क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में बात करें ये कितने होते हैं. दीज आर 9 इन नंबर्स. रिमेंबर दीज आर 9 इन नंबर्स. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड WH वर्ड्स क्योंकि इनमें से 8 है वो WH से स्टार्ट होने वाले. सो व्हाट आर दीज. सी हियर दिट्स व्हाट WHAT व्हाट वेयर व्हेन व्हिच व्हाई हु हूज हुम एंड हाउ. दीज आर 9 इन नंबर्स. यू कैन सी हियर these are what, where, when, which, why, who, whose, whom and how. So believe in one thing, everywhere there is a technique. So I am giving you the technique how to learn them. क्योंकि कई बार ये होता है लोग आपको पूछते हैं WH words कितने, we are getting confused, 4, 5, 6. I am going to give you, this is the sequence. It's what, where, when, which, why. What, where, when, which, why. Then who, whose, whom. Who, whose, whom, and how.
बाय दैट वी कैन लर्न देम वेरी फास्ट। और एक और चीज को याद रखिए, ट्राई टू हैव द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। द वर्ड इज वॉट, इट इज नॉट व्हाट। द वर्ड इज वेयर, इट इज नॉट वेयर। पीपल से व्हाट, वेयर। सो योर प्रोनाउंसिएशंस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। योर प्रोनाउंसिएशंस आर योर पर्सनैलिटी। सो से प्रोनाउंसिएशन, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट प्रोनाउंसिएशन, इट इज प्रोनाउंसिएशन। सो एट द सेम टाइम आई विल गिव यू सम टिप्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो एट द सेम टाइम। सो ओके, कम टू द पॉइंट। द फर्स्ट वन इज वॉट। सो एवरीबडी नोज इट वेल, वॉट इज यूज फॉर स्टेटमेंट और फैक्ट्स। हम वॉट का यूज कब करते हैं फ्रेंड्स? जब भी हमें स्टेटमेंट और फैक्ट बताना रहता है। मैंने आपको पूछा वॉट आर यू डूइंग नाउ डेज, आजकल आप क्या कर रहे हैं। मैंने आपको पूछा व्हाट्स देयर इन योर बैग, आपके बैग में क्या है। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। व्हाट काइंड ऑफ जॉब डू यू डू, आप किस प्रकार का जॉब करते हो। व्हाट्स देयर इन योर माइंड, आपके दिमाग में है क्या। व्हाट्स योर फेवरेट कलर, आपका फेवरेट कलर कौन सा है। तो ये क्या हो गया व्हाट। अब ट्राई टू मेक सो मेनी सेंटेंसेस एट योर होम, बिकॉज हियर वी कैन गाइड यू, वी कैन टेल यू हाउ टू मेक द सेंटेंसेस। घर पर आपको और प्रैक्टिस करनी है, कई सारे बनाइए। सेकेंड आता है हमारा वेयर, WHERE वेयर। वेयर मीन्स होता है कहाँ। इट टेल्स समथिंग अबाउट द प्लेस और डेस्टिनेशन। जो ये वेयर है ये क्या बता रहा है, ये प्लेस और डेस्टिनेशन के बारे में बता रहा है हमें। मैंने आपको पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। वेयर विल यू गो आफ्टर दिस क्लास, आप इस क्लास के बाद जाएंगे कहाँ। From where did you buy this shirt? आपने शर्ट कहाँ से खरीदा। कहाँ का मतलब है where, where means कहाँ। It tells something about the place or destination. Next हम आते when, when means time. It tells something time or period. जो हमें समय के बारे में बताता है उसको हम बोलते हैं when. When do you get up in the morning? आप सुबह कब उठते हो। When do you go to bed? आप सोने कब जाते हो। When will you come again? आप दोबारा कब आओगे। When did you call me? आपने मुझे कब कॉल किया। Now see what when means कब। At the same time I recommend you try to have a great practice of it. आप घर पे बहुत अच्छे से practice कीजिए इनकी। आप जितना practice करेंगे उतना ही अच्छा होगा। In English it is called perfect practice makes the main perfect. Perfect practice करना है आपको। So that is what, where, when, which. अगला है which. Which tells something about the description. अब ये which क्या कर रहा है, आपको description के बारे में बता रहा है। तो यहां पर हमने कहा which, it tells something about the description. अब यहां पर आपको एक चीज समझ लेना है, what और which में क्या अंतर है। बहुत सारे स्टूडेंट कई बार पूछते हैं सर what is the difference. मैं कोई मुझे पूछेगा what's your favorite color और कोई मुझे पूछेगा which is your favorite color, तो मैं क्या कहूंगा। तो what में क्या है, actually the list is given. What कुछ भी हो सकता है। What's your favorite color? My favorite color is lemon yellow. But somebody is going to ask you which is your favorite color. उस list में नहीं है तो मैं उसको बोलूँगा that white is my favorite color but it is not in the list. Which tells something about specific things. Which is your mobile among them? Which is your bike among them? Which kind of job do you prefer? आप किस प्रकार का job prefer करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया which, कौन सा। सो व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच। अगला आता है यहां पर व्हाई। सो व्हाई टेल्स समथिंग अबाउट द रीजन और कॉज। ये किसके बारे में बता रहा है, रीजन या कॉज के बारे में बता रहा है। सबसे ज्यादा कॉमन जो क्वेश्चन वर्ड होता है ये व्हाई होता है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा एक साल से लेकर 100 ईयर तक ये क्वेश्चन का हम यूज करते। सो व्हाई आर यू लाफिंग, आप क्यों हंस रहे हो। व्हाई आर यू सो लेट, आप इतना लेट क्यों। Why do you want to learn English? आप English क्यों सीखना चाह रहे हो। Why are you here? आप यहाँ पर क्यों। Why did you break my leg? आपने मेरा पैर क्यों तोड़ दिया। अब ये क्या है, why? Why means क्यों। Next है who. Who tells something about the person, the name of a person or the profession of a person. जिगी friends, अब हमने कहा यहाँ पर जिगी who. Who is the Prime Minister of India? Who is your class teacher? Who is your principal? Who will be the winner? जीतेगा कौन? Who will be the winner? Who did this? ये किसने किया? अब हम यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखेंगे
आगे की क्लासेस में भी हम साथ साथ लेते चलेंगे कि आपको प्रॉपर टेंस भी इसमें यूज करना है, लेकिन बोलना स्टार्ट करना पहले जरूरी है, इसलिए हम इसको ले रहे हैं, आप प्रैक्टिस करते चलिए। अगला आता है हुज। इन दो में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, हुज एंड हुम। सो हुज टेल्स समथिंग अबाउट द विच थिंग यू बिलोंग टू। हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है। हुज मोबाइल इज दिस, ये मोबाइल किसका है। हुज प्रॉपर्टी इज दिस, ये प्रॉपर्टी किसकी है। हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दिस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये उत्तरदायित्व किसका है। सो हुज हुम क्या बता रहा है, हुम मोस्ट ऑफ द टाइम इट टेक्स ऑब्जेक्टिव केस। हुम को हम अलग अलग तरीकों से बना सकते हैं, जैसे कि बाय हुम किसके द्वारा, अधिकतर हम इसका पैसिव में यूज करते हैं। बाय हुम दिस ग्लास इज ब्रोकन, ये ग्लास किसके द्वारा तोड़ा गया है। बाय हुम आर यू इन्वाइटेड हियर, आपको यहां किसके द्वारा इन्वाइट किया गया है। टू हुम इट मे कंसर्न, ये जिस किससे भी जुड़ा हुआ है। टू हुम डू यू वॉन्ट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हो, तो दैट इज हुम। लास्ट आता है फ्रेंड्स, वो है हाउ। हाउ को समझने के लिए हमें इसकी फोर ब्रांचेस भी समझना है। एक तो हाउ मीन्स होता है कैसे, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, हाउ कैन यू स्पीक गुड इंग्लिश। अब जो हाउ है इसकी फोर ब्रांचेस है यहां पर। पहला है हाउ मैनी, वेन इट इज काउंटेबल, कितने, जब काउंटेबल है। हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव, हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन योर बैग, हाउ मैनी क्लासेस डू यू हैव इन दिस बिल्डिंग, हाउ मैनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड टू गो टू पिकनिक, आप में से कितने लोग पिकनिक जाने पर इंटरेस्टेड है। जो दूसरा फ्रेंड आप देख सकते हो यहां पर, हाउ मच, हाउ मच मीन्स कितना। हाउ मैनी को हमने काउंटेबल के लिया, हाउ मच फॉर अनकाउंटेबल। वेन वी मेजर समथिंग देन वी यूज हाउ मच। हाउ मच कॉन्फिडेंस डू यू हैव, हाउ मच वॉटर इज देयर इन दिस बॉटल, हाउ मच करेज डू यू हैव टू टॉक टू योर फादर, आप में कितना साहस है अपने पिताजी से बात करने का, हाउ मच। जो लास्ट के दो हैं वो है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग मीन्स होता है कब तक, हाउ लॉन्ग शुड आई वेट फॉर यू, मैं आपका इंतजार कब तक करूं। हाउ लॉन्ग विल दिस क्लास विल रन, ये क्लास कब तक चलेगी। हाउ लॉन्ग शुड आई सिट हियर, मैं यहां कब तक बैठूं। तो दैट इज हाउ लॉन्ग, कब तक, इट टेल्स समथिंग अबाउट टाइम ड्यूरेशन। द लास्ट वन इज दैट इज हाउ फार, हाउ फार मीन्स कितना दूर, FAR कितना दूर। हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम हियर, आपका घर यहां से कितना दूर है। हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर, यहां से रेलवे स्टेशन कितना दूर है। हाउ फार इज योर कॉलेज, आपका कॉलेज कितना दूर है। तो ये हो गया हाउ फार। सो फ्रेंड्स, टुडे वी लर्न समथिंग अबाउट क्वेश्चन वर्ड्स एंड बिलीव इन द थिंग, इफ यू आर गोइंग टू वॉच दीज वीडियोज डेफिनेटली यू विल लर्न very fast, very correct and very fluent English. You have to like, you have to subscribe and you have to share these video. So today what did we did? We did question words, these are 9 in numbers: what, where, when, which, why, who, whose, whom and how. So thank you very much to watch, keep watching, keep learning, go ahead in your life. Thank you.